कश्मीर में बांदीपुरा के हाजन में रहने वाले 20 वर्षीय अब्दुल रहमान दार ने अपने चौथे अटेम्प्ट में क्लियर किया है नीट का एग्जाम। नदीम ने नीट में 603 नंबर लिए हैं और उनका कहना है कि परिवार और दोस्तों की सपोर्ट की वजह से और टीचरों की मेहनत की वजह से आज वो एग्ज़ाम क्लियर करने में सफल रहे हैं। उन्होंने नीट एग्ज़ाम क्लियर करने का श्रेय अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी दिया है और ऊपर वाले का भी शुक्रिया अदा किया है। उनका कहना है कि वे शुरू से ही डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन इस राह में उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। नदीम का कहना है कि जो बच्चे पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते वो अक्सर निराश हो जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, लगातार कोशिश करनी चाहिए, एक दिन सफलता जरूर हासिल होगी। सबसे पहले तो शुक्र अल्लाह ताला का जिसने ये करने में मुझे बहुत मदद की, तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने रिश्तेदारों का, फैमिली मेम्बर्स का जिन्होंने मुझे इसमें सपोर्ट किया। बहुत ही खुशी अभी हो रही है, बहुत ही खुशी मैं कह नहीं सकता क्योंकि बीइंग एज अ ड्रॉपर। तो पहले मैंने 2018 में जो मेरा 12th था वो क्लियर किया, उसके बाद खास 11th और 12th ज़्यादा पढ़ा नहीं था। तो 2019 में तो पहले तो यही थी तैयारी थी कि पहले 12th और 11th को क्लियर करें। तो 19 में पहला अटेम्प्ट था लेकिन उसमें ज़्यादा पढ़ा नहीं था हमने। फिर 20 में दूसरा, 21 में तीसरा और अभी 22 में ये चौथा अटेम्प्ट था। तो मैंने 11th और 12th काई कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस जो है परीपोरा में वहाँ पढ़ा, और उसके साथ साथ जो यहाँ के टीचर्स हायर सेकेंडरी के जो लोकल टीचर्स हैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने भी बहुत मदद की। और ज़्यादातर जो है वो परीपोरा काई में, जो परीपोरा में जो काई है उनकी ही बदौलत यह सब कुछ आज हासिल हुआ मुझे। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने भी बहुत अच्छा पढ़ा था सेकेंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट में लेकिन मेरा भी नहीं हुआ। तो अभी ज़्यादातर मैंने, अगर मैं खुद की बात करूँ, ज़्यादा सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट से मैंने डिफरेंट कुछ पढ़ा नहीं था, वही पढ़ा था, वही टेक्स्ट मैंने फॉलो की थी। लेकिन इस साल थोड़ा मैंने जो है टेस्ट सीरीज में मैंने जो बदलाव लाया था इस साल, तो आप भी यही कर सकते हो। पहले अटेम्प्ट में नहीं होगा, दूसरे में होगा, तीसरे में होगा, खाली आपको जो है कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा क्योंकि ये एक एग्ज़ाम है जो खाली 3 घंटे में होता है। तो 3 घंटे में हम भटक भी जा सकते हैं, 3 घंटे में हम भटक भी जा सकते हैं और ये उन्हीं 3 घंटों का खेल है। तो उन 3 घंटों पर ज़्यादा फोकस करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दो, सब कुछ अल्लाह। इससे तो 12th में यही जो लोकल हायर सेकेंडरी हमारी हाजन हायर सेकेंडरी वहाँ पढ़ा मैंने, और उन्होंने हमें थोड़ा गाइड किया था कि नीट होता है, जेई होता है, एग्जाम ऐसे एग्जाम होते हैं, तो आप उनके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो 11th और 12th से ही। तो उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। इस लिबास में मलबूस हो गए हैं जिस लिबास में बड़े बड़े जगादर हमारे उलमा, हमारे मुफस्सिर, हमारे मुहद्दिस, हमारे स्टेट्समैन इस वक्त कायनात में बरसर पैकार हैं। मैं चाहता हूं कि नदीम साहब इस मैदान में ऐसा खिलाड़ी साबित हो जाए जो हमारा नाम और रोशन करे, अपने माँ बाप का नाम और रोशन करें, अपनी मोहम्मद अरबी की उम्मत, उम्मत मुस्लिमा को और रोशन करे।